बीजेपी की कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जितेंद्र प्रसाद, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद यहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और उससे पहले उन्होंने इनसे मुलाकात भी की थी, इनके घर भी वो गए थे। कांग्रेस हाईकमान से काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे जितेंद्र प्रसाद, और अब उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा है और सम्मान देने के लिए बीजेपी का धन्यवाद भी किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, यूपी और अन्य कई जिलों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मिशन 2022 की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है, हालांकि कोरोना काल है, इस बीच भी ये तैयारियां लगातार जारी हैं। और अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा थे, लगातार वो ब्राह्मणों के लिए आवाज उठाते थे। ब्राह्मण चेतना संवाद उनकी एक खुद की पार्टी थी, एक मोर्चा था, जिससे भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया था, और उसके बाद लगातार जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस से लंबे समय से नाराज चल रहे थे, कांग्रेस की पूरी हाई कमान से नाराज चल रहे थे, और अब मिशन 2022 को साधने से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले हैं जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद ने इससे पहले तमाम सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करते हुए जितेंद्र प्रसाद, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उन्हें सदस्यता दिला रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का पटका भी अब जितेंद्र प्रसाद के गले में जा चुका है, यानी कि पूर्ण रूप से अब वो बीजेपी के हो चुके हैं, कांग्रेस को एक बार फिर से त्याग दिया है उन्होंने। जितेंद्र प्रसाद सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और सम्मान भी उन्होंने कहा है कि सम्मान देने के लिए बीजेपी का बहुत आभार व्यक्त किया है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लगातार मिशन 2022 से पहले बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र प्रसाद वो हैं जिन्होंने कांग्रेस हाईकमान को जब 23 नेताओं ने पत्र लिखा था उसमें जितेंद्र प्रसाद शामिल थे, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि उनको सदस्यता दिलाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी अपना संबोधन दे रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।